हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं उसकी बात करेंगे। तो जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसको हम दो मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। पहला मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और सेकेंड मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको कि हम हाफ रिएक्शन मेथड जो है वो बोलते हैं। अब हमारे पास ये एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है और इस केमिकल इक्वेशन को हमको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो है वो बैलेंस करना है। तो पहला रूल क्या होता है? पहला रूल होता है कि हमको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, पहला काम हमने कर लिया। दूसरा काम हमें क्या करना है, मतलब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि हर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको लिखनी है। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो हमने YouTube पे 4-5 वीडियो जो है वो अपलोड किए हुए हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो फंडा होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जो है वो जीरो आता है। अगर आपको कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता कि +1 होगी कि +2 होगी, तो देखो जरा, कॉपर की भले ना पता हो लेकिन ऑक्सीजन की तो पता है ना, -2 होती है और सम जो है वो जीरो आना है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए। तो +2 -2 कैंसिल होकर क्या आएगा? जीरो। तो कॉपर यहां पे +2 में है, ऑक्सीजन -2 में है, अमोनिया में। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भले ना पता हो लेकिन हाइड्रोजन की तो पता होती है, कितनी होती है? +1। हाइड्रोजन कितने? 3। तो टोटल हो जाएगी +3। तो नाइट्रोजन कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का सम तो आएगा जीरो, तो नाइट्रोजन को -3 जो है वो शो करना चाहिए अमोनिया में। तो नाइट्रोजन यहां -3 में होगा, हाइड्रोजन +1 में होगा। कॉपर अकेला है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। एटम और मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस और माइनस कब होती है? केवल कंपाउंड में या आयन में। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। H2O ये कंपाउंड है, हाइड्रोजन +1 में है तो ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन -2 में है, दो हाइड्रोजन है तो +2 -2 कैंसिल, सम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा? जीरो। तो हमने दो काम कर लिए। अब इसके बाद इक्वेशन बैलेंस करने का हमारे पास जो फंडा है वो ये है, OACOH। इसको हम क्या बोलेंगे? ये कहलाता है, ओ मतलब होता है ओनिडा, एयर कंडीशनर, ओ हो। तो OACOH, इसको याद करने का जो तरीका है, जो हमने बनाया है, ओनिडा एयर कंडीशनर ओ हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रूल क्या हैं? यही तो है रूल उसका, ओनिडा एयर कंडीशनर ओ हो। तो यहां पे ओ का मतलब क्या होता है? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज जो है वो पहचानना है, वो आइडेंटिफाई करना है कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है, ये पहचान लो जरा। अब देखो जरा, पहचानते हैं। ओ मतलब आपको ऑक्सीडेशन में चेंज पहचानना है। कॉपर +2 से कॉपर जीरो हो गया, मतलब यहां पे रिडक्शन हुआ। अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम कैसे बताएंगे? सिंपल सा लिख देते हैं, ये -5 -4 -3 -2 0 +1 +2 +3 +4 +5। अगर आप ऐसे जा रहे हो, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, मतलब रिडक्शन, तो ये तो रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है
उल्टा भी कह सकते हो, नेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है मतलब पॉजिटिविटी कम हो रही है, मतलब आपका रिडक्शन होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। बस ऐसे आप कर सकते हो। तो देखो, कॉपर प्लस टू से कॉपर जीरो में चला गया, पॉजिटिविटी कम हो गई, क्या होगा? रिडक्शन, ग्रोथ नहीं मिलेगी। नाइट्रोजन माइनस थ्री से नाइट्रोजन पहुंच गया जीरो में, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो बस आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचानना है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज को पहचानना है। तो हम इक्वेशन को दोबारा से लिख देते हैं, कॉपर ऑक्साइड, अमोनिया, कॉपर N2 एंड H2। अब देखो जरा, कॉपर प्लस टू से कॉपर जीरो में चला गया, नाइट्रोजन माइनस थ्री से नाइट्रोजन जीरो में चला गया, माइनस थ्री से जीरो में जाना मतलब ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, और प्लस टू से जीरो में जाना मतलब ये रिडक्शन हो गया। अब क्या करना है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पहचान लिया, मतलब वो हमारा कंप्लीट हो गया। ए मतलब हमको एटम बैलेंस करना है। कौन से एटम बैलेंस करना है? जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, केवल अभी वो एटम बैलेंस करना है। तो ए मतलब उन एटम को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहां पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर वन है, कॉपर यहां वन है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो नाइट्रोजन यहां पे वन है, नाइट्रोजन यहां टू है। तो नाइट्रोजन को जल्दी से आप टू कर लो यहां पे, क्लियर है? तो हमारा ए कंप्लीट हो गया। अब हमको सी, सी मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज को हमको लिखना है और उसको बैलेंस करना है। तो देखते हैं, टोटल चेंज लिखना है तो लिखेंगे हम टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितने का चेंज हुआ? देखो यहां पे ये टू है और ये माइनस थ्री, तो माइनस सिक्स यहां पे है, और जीरो और टू, टू का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो जीरो ही आएगा। तो सिक्स का जो है वो चेंज हो गया, टोटल चेंज कितने का होगा? सिक्स का। यहां पे प्लस टू है कॉपर, यहां पे जीरो है, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ये टू का है। अब हमको टोटल चेंज जो है ऑक्सीडेशन नंबर में उसको बैलेंस करना है। यहां पे छह का चेंज है, यहां पे टू का चेंज है, मतलब ये छह इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है सिंपल वे में। तो ये छह इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस करना पड़ेगा भाई। जितना हमने दिया उतना हमने लिया, तभी तो चीजें बैलेंस होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, क्लियर है? अगर ये छह इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको छह इलेक्ट्रॉन गेन करना ही चाहिए। अगर नहीं करेगा तो इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं होगी। तो इसका मतलब है यहां पे हमें एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिक्स में चेंज हो जाएगा और ये भी सिक्स में चेंज हो गया, तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर सिक्स का चेंज कराना है तो कॉपर ऑक्साइड कितने होना चाहिए? थ्री, और कॉपर कितना होना चाहिए? थ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक कॉपर जो है वो दो का चेंज कराता है, तो तीन कॉपर जो है वो कितने का? सिक्स का चेंज कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है उसको हमें बैलेंस करना है, तो चलो कर देते हैं। एक कॉपर ऑक्साइड लिखा, टू अमोनिया था, ये लिखा कॉपर N2 H2।
तो चेंज को बैलेंस किया तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ओ हो गया कंप्लीट, ए हो गया और सी कंप्लीट हो गया हमारा, मतलब ओनिडा एयर कंडीशनर कंप्लीट हो गया। अब ओ हो का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन बैलेंस करो और हाइड्रोजन बैलेंस करो। ओ मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और एच मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो देखें ऑक्सीजन यहां पे कितना है 3, ऑक्सीजन यहां पे कितना है 1, तो ऑक्सीजन को करते हैं 3 तो 3H2O हो जाएगा। अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहां पे दिखाई दे रहा है 6 और इधर पे दिखाई दे रहा है 6, मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। अब सबसे लास्ट में जो है हमको सारे एटम फिर से चेक करने हैं कि वो बैलेंस हैं कि नहीं। तो देखिए यहां पे कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, इक्वेशन बैलेंस है। अब इसके बाद ये एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है और इस केमिकल इक्वेशन को हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो है वो बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा काम जो है वो केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो ये पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है कि हर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लिखनी है। तो देखो जरा, फॉस्फोरस अकेला है, एटॉमिक फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। HNO3, ये 3 एटम से कंसिस्ट जो है वो कंपाउंड है। अब आपको हर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बतानी है। ऑक्सीजन नेगेटिव में है तो ये 2 एटम जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। वो देखो कैसे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो टोटल हो जाएगी कितनी -6, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना होता है 0। हाइड्रोजन की हमें पता है +1, तो सम अगर 0 है तो यहां तो केवल +1 है और ये -6 है, तो यहां पे क्या होना चाहिए +5। जब हम +5 ऐड करेंगे तो ये +6 हो जाएगा और ये -6 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो हमारा सम जो है वो कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन +1 में है, नाइट्रोजन +5 में है और ऑक्सीजन -2 में है। अब देखो जरा, ये भी 3 एटम से कंसिस्ट कंपाउंड है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है तो ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कैसे, ऑक्सीजन -2 में होता है, कितने ऑक्सीजन है 3, तो टोटल हो गया -6 और सम जो है वो 0 आएगा। तो हाइड्रोजन की हमें पता है +1 होती है, तो फॉस्फोरस की कितनी होनी चाहिए +5 होनी चाहिए, तभी तो ये +6 बनेगा और ये -6 को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, तभी तो सम 0 होगा। तो हाइड्रोजन +1, फॉस्फोरस +5, ऑक्सीजन -2। एनो में ऑक्सीजन -2 में है तो नाइट्रोजन +2 में होना चाहिए, तभी तो सम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा 0। हाइड्रोजन +1 में होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 कैंसिल, इसलिए सम जो है वो 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमने हर एटम की लिख ली। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, उसके रूल जो होंगे वो होंगे OACOH, मतलब ओनिडा एयर कंडीशन OHO। तो ये O का मतलब क्या है, हमको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये पहचानना है, मतलब कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज जो है वो पहचानना है। तो O मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज है उसको आइडेंटिफाई करो। तो करते हैं, फॉस्फोरस 0 से फॉस्फोरस +5 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन +2 में चला गया, मतलब यहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हमने चेंज जो है वो
पहचान लिए। तो अब इक्वेशन को हम जो है वो लिखेंगे, फॉस्फोरस प्लस HNO3, ये HPO3 दे रहा है, ये NO दे रहा है और H2 दे रहा है। अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जहां पे चेंज हो रहा था। तो ये 0 है, ये +5 है, ये +5 है और ये +2 है। तो देखो फॉस्फोरस 0 से +5 में पहुंच गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये 0 है, +5 ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन जो है वो +2 में पहुंच गया, मतलब रिडक्शन हुआ। तो अब हमको ये ए का मतलब है एटम को बैलेंस करना है। तो यहां पे हमें उन एटम को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, केवल वो एटम यहां पे बैलेंस किए जाएंगे। तो देखो फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, मतलब एटम बैलेंस है। अब सी मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर में जो है चेंज, उसको बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है, तो टोटल चेंज लिखना है हमको, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का आया, ये 5 का चेंज आया, ये और ये 5 का चेंज आया। इधर पे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, ये 3 का आया। अब हमको ये जो चेंज है इसको वो बैलेंस करना है, क्योंकि जब तक चेंज बैलेंस नहीं होगा आपकी इक्वेशन बैलेंस हो ही नहीं सकती। तो 0 से ये +5 पहुंच गया, मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, लेकिन नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन +2 में पहुंचा, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, गेन किया। यार ये 5 डोनेट कर रहा है, ये 3 गेन कर रहा है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हवा में घूमते रहेंगे। तो हमको क्या करना है, वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो जरा, अगर हम यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इधर पे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 15 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल जो है 15 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो इसके 5 मॉलिक्यूल जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब चेंज आपका बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज है वो बैलेंस हो जाएगा। तो कर देते हैं, इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, फास्फोरस प्लस HNO3 HPO3 प्लस NO प्लस H2। ओके, तो 5 का मल्टीप्लाई कहां करना है, 5 ये HNO3 और NO में, तो HNO3 कहां है ये और NO कहां है ये। 3 का मल्टीप्लाई कहां करना है, फास्फोरस में और ये 3 और ये 3। ओके, अब इसके बाद O मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन देखते हैं यहां पे कितना हो गया, 5 × 3 = 15, यहां पे 3 और 3 9 हो गया, 5 = 14 हो गया और 1 = 15 हो गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, H मतलब हाइड्रोजन बैलेंस करूं, हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन यहां पे 3 है और यहां पे ये 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम जो है हर एटम को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लास्ट में हमें हर एटम को चेक करना है, तो फास्फोरस 3 फास्फोरस 3, हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन यहां पे 3 और हाइड्रोजन 2 5, नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 15 ऑक्सीजन यहां पे ये 9 है, ये 5 = 14 हो जाएगा 1 = 15, मतलब एटम बैलेंस हो गया।
अगर यहां पे कोई आयन होता तो हम चार्ज को भी चेक करते कि चार्ज आपका बैलेंस है कि नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।